हेलो। हाँ, गुड आफ्टरनून। तो आज हम आगे की चर्चा करेंगे। अभी तक हमने जो पढ़ा वो भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी, और इसके बाद अपन आगे की बातें भी चालू करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये चैप्टर देख रहे हैं हम। इसमें हमने सबसे पहले देखा कि लॉ क्यों बनाया जाता है, कानून की जरूरत क्यों पड़ती है। हाँ, तो इसमें हमने सबसे पहले देखा लॉ की जरूरत क्यों पड़ती है, कानून की जरूरत क्यों पड़ती है, ये देखा। इसके बाद सब आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही है? अगर कुछ भी नहीं आया, वीडियो नहीं आया या आवाज नहीं आई तो आप बता सकते हैं, चैट में बता सकते हैं। तो फिलहाल तो प्रॉपर आ रहा है। तो हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि हमने क्या देखा अब तक। तो अब तक हमने देखा कि लॉ क्यों बनाया जाता है। तो लॉ बनाने के पीछे एक रीजन होता है, हर एक कानून के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। जैसे कि मैंने आपको ट्रैफिक नियमों की बात बताया था, ट्रैफिक नियमों का पालन करना, ये कानून क्यों बनाया गया, मोटर व्हीकल्स एक्ट क्यों बनाया गया, क्योंकि झगड़े होते थे, लोग एक्सीडेंट्स करते थे, एक दूसरे को ठोक दिया करते थे, और लोग पैदल चलने वालों को पता नहीं था कहाँ से चलना, साइड से चलना, बीच से चलना, तो ये सब दिक्कतें आई, और इसीलिए हमको मोटर व्हीकल्स एक्ट की जरूरत पड़ी, तो इसीलिए मोटर व्हीकल्स एक्ट बना। वैसे ही हर एक कानून बनाया गया। सोच के देखो, अगर कानून नहीं होगा तो क्या होगा, तो दिक्कतें आएगी। जैसे समझो कोई चोरी करने पे कोई कानून बनाया ही नहीं, तो मेरा मोबाइल किसी ने चोरी किया तो मैं क्या करूंगा, मैं उसके ऊपर एक्शन नहीं ले सकता, तो किसी और का ले लूंगा। और इसीलिए ये जो लॉ है ये बनाए गए हैं ताकि जस्टिस प्रिवेल करे, सोशल सिक्योरिटी रहे, क्योंकि इंसान एक सामाजिक प्राणी है, तो इंसान को कैसे बिहेव करना वो चीज बताता है लॉ। तो लॉ इज अ मैकेनिज्म फॉर रेगुलेटिंग द ह्यूमन कंडक्ट इन अ सोसाइटी। तो ये हमने देखा। फिर हमने देखा मर्केंटाइल लॉ क्यों बनाया गया। तो मर्केंटाइल लॉ का मतलब है बिजनेस से डील करने वाले लॉ। बहुत सारे ब्रांचेस ऑफ लॉ होते हैं, जैसे कि सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉज, टैक्स लॉज, लेबर लॉज, उसी प्रकार से बिजनेस लॉज होते हैं जिसमें बिजनेस से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है उनकी बात की जाती है। जैसे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट जो आप अगले साल पढ़ोगे, जैसे कि कंपनीज एक्ट इस साल पढ़ोगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इस साल पढ़ोगे, तो ये हमने देखा। इसके अलावा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनाया गया, ये हमने देखा था। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनाया गया था, ताकि जो वादे किए जाते हैं वो पूरे होना चाहिए, तो ये वादों से डील करने वाला एक एक्ट है, तो ये हमने देखा था, ताकि सर्टेनिटी आए, डेफिनेटनेस आए। फिर हमने देखा क्या ये सिर्फ बिजनेस को ही लगता है, बिजनेसमैन को ही लगता है, तो आंसर है नहीं। आप भी जब कोई भी चीज खरीदते हैं तो वहां पे भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे आप कहीं जाके एक बुक खरीद रहे हैं, पेन खरीद रहे हैं, इवन एक मैगी का पैकेट खरीद रहे हैं, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट में कवर होता है। फिर हमने देखे सोर्सेस ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या है। तो हमने देखा सबसे पहले तो इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है जो 1 सितंबर को लागू हुआ था। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या बताया गया है, इसमें जो बेसिक प्रिंसिपल्स है वो बताए गए हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे किए जाते हैं, वो कैसे पूरे होंगे। तो ये जो पैराग्राफ है ये मैंने बोला था कि ये धीरे धीरे आगे आएगा, तो आगे अपन इसको पढ़ेंगे। इसके बाद हमने देखा एक्ट में सब चीज हो ये जरूरी नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि कुछ उसमें लिखना रह गया। जैसे कि ये भी बनाया किसके द्वारा गया है, तो इंसानों के द्वारा बनाया गया है, और इंसानों के द्वारा बनाया है इसलिए परफेक्ट होना संभव नहीं है, तो हो सकता है इसमें कुछ ना कुछ गलती रह गई, कुछ ना कुछ लिखना रह गया, या कहीं एम्बिग्यूटीज हो गई, मीन्स एक जगह कुछ और लिखा है, दूसरी जगह कुछ और लिखा है, तो इसीलिए कोर्ट में जाना पड़ता है। समझो कोई एम्बिग्यूटी है या कोई चीज नहीं लिखी है, और ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो यहाँ पे दोनों जन उसका मीनिंग अपने हिसाब से निकालेंगे, ए चाहेगा उसका फायदा हो, बी चाहेगा उसका फायदा हो, तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे, तो ऐसे केसेस में कोर्ट जाएंगे, और कोर्ट जो डिसीजन देगा दैट विल ऑल्सो बिकम द लॉ। फिर इसमें भी मैंने आपको बताया था कोर्ट कैसे कैसे होते हैं, तो मेजर क्लासिफिकेशन आपको बता दिया था, और जो सुप्रीम कोर्ट है इसके डिसीजन पूरे भारतवर्ष में एक प्रकार से लागू होते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सोर्स है, एक और इम्पोर्टेंट सोर्स है जो कस्टम्स है, कस्टम्स और यूसेज ऑफ ट्रेड, जो तौर तरीके चले आ रहे हैं वो भी कानून का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे कि सब्जी खरीदने आप जाते हैं तो वहां पे भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, भले ही आपने कुछ लिख के नहीं लिया तो भी दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, तो ये हमने देखा। फिर हमने देखा क्या ये एक्ट खत्म होता है, तो आंसर है नहीं, द एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्ट होने का मतलब है खत्म होना, नॉट एग्जॉस्टिव का मतलब है खत्म नहीं होता, मीन्स ये एक्ट चलते रहेगा, हर एक चीज से रिलेटेड स्पेशल लॉज भी रहेंगे बट ये एक्ट खत्म नहीं होगा। जैसे कि अगर आप सेल ऑफ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं,
कोई आप मोटर व्हीकल खरीद रहे हैं या फिर एक मोबाइल खरीद रहे हैं, तो ऐसे केसेस में सेल ऑफ गुड्स एक्ट इज द मेन लॉ, बट उसका ये मतलब नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म हो गया। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी साथ साथ में अप्लाई होते रहेगा। उसी प्रकार से अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो लॉ कौन सा लगेगा, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ऐसे केस में भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट साथ साथ में चलता रहेगा। तो ये हमने देखा। इसके बाद हमने देखा व्हाट इज द स्कीम ऑफ द एक्ट। स्कीम का मतलब है इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। तो इसमें क्या क्या देखेंगे हम, इसमें हम देखेंगे पहले तो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन नंबर 1 से लेकर 75 तक के डील करते हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से, ठीक है। तो ये हमको इस साल देखना है, तो ये आपको इस साल के कोर्स में है। तो जनरल प्रिंसिपल्स यानी एकदम बेसिक चीजें, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कैसे, पूरा कैसे होगा, अगर पूरा नहीं किए तो क्या होगा, ये सब चीजें अपने को इस साल देखना है। अगले साल आप और आगे भी पढ़ोगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यहाँ खत्म नहीं होता है। अगले साल आपको तीन और चीजें पढ़ना है, तीन और टॉपिक पढ़ना है। पहला है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। इंडेमनिटी का मैंने मतलब बताया था आपको, जब किसी का नुकसान होता है वो नुकसान की भरपाई करना, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। फॉर एग्जाम्पल एक मोटर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है, तो मैंने कार का इंश्योरेंस करा लिया, तो दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अगर कार को कुछ होगा तो मेरे को पैसे मिलेंगे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में आता है। गारंटी का भी मैंने एग्जाम्पल दिया था, जैसे कि समझो मेरे को लोन चाहिए, मैं जाता हूँ बैंक के पास और बैंक मेरे को मना कर देता है। बैंक बोलता है कि नहीं आपको कोई लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको चेहरे से ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति लोन नहीं चुकाएगा, वो मेरे को नहीं जानता। लेकिन बैंक मेरे को बोलता है अरे शर्मा जी रुको, एक इधर आओ। मेरे को बोलता है एक काम करो, अगर आप कोई और व्यक्ति को लेके आते हैं जो गारंटी लेगा कि आप पैसा वापस कर दोगे, तो मैं आपको लोन दे देता हूँ। तो वो मेरे को एक ऑप्शन देता है। मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा एक बहुत ज्यादा जिसका नाम है मार्केट में उस व्यक्ति के पास। जैसे समझो मैं शर्मा सर के पास गया, मैं शर्मा सर को बोलूंगा कि शर्मा सर आप एक काम करो, आप चलो बैंक में और बैंक में जाके बोल दो कि शशांक जो है ये बराबर टाइम पे आपको आपका लोन वापस कर देगा, और अगर नहीं करेगा तो मेरे से ले लेना। तो शर्मा सर जाके बोल देते हैं बैंक को कि भाई लोन दे दो शशांक को, वो बराबर टाइम पे वापस करेगा, और अगर इसने वापस नहीं किया तो मेरे से ले लेना। तो दिस इज कॉल्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ठीक है। तो शर्मा सर ने मेरी गारंटी दी है कि मैं बराबर टाइम पे पैसा वापस कर दूंगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था, ये आपको इस साल कोर्स में नहीं है, ये आपको कहाँ आने वाले हैं, तो ये सीए इंटर में आप जरूर पढ़ोगे। फिर मैंने आपको बताया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट और प्लेज होता है। बेलमेंट का मतलब होता है जब आपने चीज किसी को यूज करने दिया है। ये बहुत प्रकार के होते हैं, थोड़ा थोड़ा करके अपन इसको देखेंगे। तो चैप्टर नंबर 3 में मैं आपको बताऊंगा बेलमेंट क्या होता है, और भी आगे धीरे धीरे आते रहेगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आएगा, तो बेलमेंट क्या होता है ये मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। एक सिंपल एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको, जैसे कि आपको कार चाहिए, समझो आपको कहीं घूमने जाना है और कार चाहिए। अब आप मेरे पास आते हैं, मैं बोलता हूँ ठीक है आप कार लेके जा सकते हैं, तो दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, मीन्स आप उसको यूज करोगे और यूज करने के बाद वापस कर दोगे। दूसरा था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। प्लेज जो है ये भी एक प्रकार से बेलमेंट जैसा ही है, सिर्फ इसमें जो गुड्स दिए हैं उसमें पर्पस क्या है, तो सिक्योरिटी। जैसे कि मेरे को पैसे की जरूरत थी, मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी अंगूठी गिरवी रख देता हूँ। मैं जाता हूँ एक साहूकार के पास और उसके पास अंगूठी दे देता हूँ, और उससे मैं 20,000 रुपए उधारी ले लेता हूँ। तो दिस इज कॉल्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। तो इसी को आप हिंदी में गिरवी रखना बोलते हैं। फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी मैंने आपको बताया था। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का क्या मतलब है, तो एजेंसी में जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपॉइंट करता है कि तुम ये मेरे बिहाफ पे करके दो। जैसे कि मेरे को एक मकान बिकवाना था, लेकिन मैं कहाँ घूमते बैठूंगा, तो मैंने एक व्यक्ति को अपॉइंट किया, ब्रोकर को अपॉइंट किया, एजेंट को अपॉइंट किया, उसको बोला कि मेरा ये मकान बिका दो, मैं तुमको 2% कमीशन दे दूंगा। तो दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, वो मेरा मकान बिकवाने के लिए अब मदद करेगा, मेहनत करेगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है। ये जो तीनों ही प्रकार है कॉन्ट्रैक्ट के, ये आपको इस साल नहीं है, ये आपको इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ना है, बट यहाँ पे भी मैं बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि सेक्शंस भी बीच में आपको गैप दिखती है। सेक्शन 1 से 75 है, फिर 123 तक के गैप है, 76 से 123 सेक्शंस नहीं है। तो ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये डील करते थे सेल ऑफ गुड्स एक्ट से, तो पहले ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हिस्सा हुआ करते थे, बट जब सेल ऑफ गुड्स एक्ट पास किया गया 1930 में, तो ये जो प्रोविजन है यहाँ से निकाल दिए गए, क्योंकि दो जगह सेल ऑफ गुड्स के प्रोविजन नहीं रख सकते, तो एक अलग एक्ट आ चुका है उसका, तो यहाँ से वो हटा दिए गए। इसको हम बोलते हैं रिपील कर लेना, ठीक है। उसी प्रकार से 182 से 238 सेक्शन दिख रहा है आपको, लेकिन 238 के बाद भी सेक्शन थे, 239 से लेकर 266 तक के, ये सेक्शन भी बाद में हटा लिए गए जब पार्टनरशिप एक्ट पास किया गया 1932 में, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था, तो अपन ने यहीं तक देखें, इसके आगे से अपन अब चर्चा करेंगे। अब मैं थोड़ा बहुत आपको सेक्शंस के बारे में भी बता देता हूँ। तो सेक्शंस के बारे में ऐसा है कि कोई भी एक्ट को जब आप लिखते हैं तो उसको सेक्शन में लिखते हैं। सेक्शन यानी क्या, एक पर्टिकुलर पार्ट है। तो
हाँ, तो सेक्शन का मतलब है इट इज अ पर्टिकुलर पार्ट। तो सेक्शन में लिखा क्यों जाता है, क्यों ऐसा सेक्शन लिखे जाते हैं, सेक्शन 1, 2, 3, 4। तो आप सोच के देखो, सेक्शंस नहीं होंगे तो क्या होगा। तो सेक्शंस में लिखने का एम ये होता है कि भाई जो भी व्यक्ति अगर कहीं बताना है, जैसे मेरे को बताना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में यहाँ यहाँ लिखा है, तो मैं कोर्ट कैसे करूंगा। एक एग्जाम्पल लेके देखो, जैसे कि समझो कोर्ट में केस चल रहा है, एक जज साहब बैठे हैं और दोनों वकील खड़े हैं, दोनों जन अपनी अपनी दलील पेश कर रहे हैं। अब क्या होता है, जज साहब बैठे हैं यहाँ पे, वकील साहब को कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट कोट करना है, उनको बताना है कि जज साहब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, फिर वो पेज नंबर गिनेंगे, पेज नंबर 232 में फिर वो लाइन गिनेंगे, लाइन नंबर 28 पे ऐसा ऐसा लिखा है। अब देखो कितनी दिक्कत जाएगी, जज साहब वो बुक पलटा रहे हैं, पेज नंबर निकाल रहे हैं, फिर उसमें लाइन नंबर देख रहे हैं, फिर वो बताएंगे हाँ हाँ ऐसा लिखा है। और यहाँ तक तो ठीक है, दिक्कत और बढ़ जाएगी अगर बुक अलग है। समझो जज साहब के पास इतनी मोटी बुक है, तो वो बुक हाइट में कम है लेकिन ऐसे मोटी है, और वकील साहब के पास बड़ी बुक है, तो यहाँ तो उनका पेज नंबर भी मैच नहीं होगा। तो इसीलिए कोट कैसे करोगे, रेफरेंस कैसे दोगे, तो इसीलिए एक तरीका है कि सेक्शंस वाइज इसको डिवाइड कर दो। अब क्या हो गया, अगर वकील को बताना है तो वकील क्या बोल देगा, जज साहब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन नंबर 32 में ऐसा ऐसा लिखा है। तो अब किसी के पास कैसे भी बुक रहे, बड़ी बुक रहे, छोटी बुक रहे, कैसे भी रहे, कैसे भी उसके फॉन्ट्स रहे, कुछ भी रहे, लेकिन अब क्या है, तो सेक्शन नंबर 32 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो उस बुक में बोल रहा है वो यहाँ भी बोलेगा। तो इसीलिए सेक्शन वाइज लिखा जाता है, कोई भी चीज को सेक्शन वाइज लिखा जाता है। एक्ट में आप देखोगे सेक्शन होते हैं, सब सेक्शन होते हैं, क्लॉज, सब क्लॉज, पैरा, सब पैरा, ये सब क्या होता है ये अपन देखेंगे एक एक करके, ठीक है। तो अभी आपको एग्जाम के लिए कोई काम का नहीं है, इनफैक्ट आपको सेक्शन से याद रखने की भी आवश्यकता नहीं होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर ये अब तक हमने यहीं तक देखा था, इसके बाद की अपन चर्चा करते हैं। यहां तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो एक डाउट आया था सर रिकॉर्डिंग, तो हाँ मैंने रिकॉर्डिंग चालू नहीं किया था, अभी कर दिया। बट अगर रिकॉर्डिंग आपको नहीं भी मिली है, जैसे कभी हो जाता है कि मैं लेट चालू करता हूँ या भूल जाता हूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरी दूसरी रिकॉर्डिंग जो है वो चालू रहती है, जो मेरी OBS की रिकॉर्डिंग होती है, तो वो रिकॉर्डिंग के थ्रू आप देख सकते हैं। जैसे मैं YouTube वगैरह पे अपलोड कर देता हूँ, तो वो थोड़ा ज्यादा आपको देखने में वो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे जब आप लाइव में रहते हो तब इंटरेस्ट आता है, बट बाद में देखने में आपको स्ट्रीम पे इंटरेस्ट नहीं आता। तो इसीलिए आपको अगर देखना है तो मेरे रोज के लेक्चर्स अपलोड होते जाते हैं, तो कुछ लोगों के आते हैं मैसेज कि सर वो लेक्चर देखना है, तो आप ऐसा मैसेज बोलो, भेजोगे मेरे को, तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा। विदाउट लिंक आप नहीं देख सकते, वो पब्लिक नहीं है मेरे वीडियोस, तो वो सिर्फ विद लिंक ही देख सकते हैं। तो यहां तक आपको अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, नहीं होगा तो अपन आगे बढ़ते हैं। वैसे मेरे को लग नहीं रहा कोई डाउट होगा, बट फिर भी आगे अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ लो, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो कोई डाउट तो आ नहीं रहा है तो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ रहे हैं, इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर ब्रांचेस ऑफ लॉ, क्या यह बाकी के कानूनों से अलग है। तो आंसर है हाँ, ये बाकी के कानून से अलग होता है। तो बहुत सारे कानून होते हैं, कानून में जनरली क्या लिखा होता है, सीधा सीधा लिखा होता है ऐसा करना, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐसा नहीं लिखा है। जैसे आप ट्रैफिक नियमों का पालन कर रहे हैं तो वहां आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वहां पे लिखा है अगर रेड लाइट है तो रुकना है, तो आपको रुकना ही चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते मैं धीरे धीरे चले जाता हूँ, तो ये नहीं बोल सकते, अगर रुकना बोला है तो रुकना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कैसा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐसा बताया ही नहीं गया है कि आपको ये करना है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या बताया, सिर्फ एक बेसिक प्रिंसिपल बता दिया कि ये कॉन्ट्रैक्ट है। अब उसके अंदर आप जैसे रूल्स बनाना चाहो वैसे रूल्स बना सकते हैं। अभी तक हम गए नहीं है कॉन्ट्रैक्ट तक, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये अभी तक अपन ने पढ़ा ही नहीं, तो अभी धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे। तो क्या ये अलग है, तो आंसर है हाँ। जैसे कि बाकी के लॉ में होता है, आपको बोला है ये करना है तो करना ही चाहिए, GST रजिस्ट्रेशन करना है तो करना ही चाहिए, रिटर्न्स डालना है तो डालना ही चाहिए, तो वहां पे आपको करना ही पड़ता है वो चीज। यहाँ पे क्या है, एक ब्रॉड फ्रेमवर्क दे दिया है आपको, उसके अंदर रहते हुए आप खुद के रूल्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई एक प्रॉपर्टी खरीद रहे, समझो मिस्टर ए है, मिस्टर ए मिस्टर बी से एक प्रॉपर्टी खरीद रहा है, तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी खरीद रहा है, तो इसका ये एक ब्रॉड वे ब्रॉड ये हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट है, कि ए ने बी को बोला क्या तुम प्रॉपर्टी बेचोगे, बी बोलता है हाँ मैं बेचने को तैयार हूँ, ये हो गया एक कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इसमें अब इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रहते हुए ये लोग खुद के रूल्स डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो पैसा देना है, तो ये पैसा कैसे दिया जाएगा,
क्या ये पैसा पहले देगा या बाद में देगा, या क्या इंस्टॉलमेंट में दिया जा सकता है, तो ये लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐसा नहीं लिखा है कि नहीं आपको पैसा पहले देना पड़ेगा, ऐसा नहीं लिखा है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सिर्फ ये लिखा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, अब इसमें रहते हुए आप जैसे रूल्स बनाना चाहे बनाओ। आपको लगता है कि थोड़ा थोड़ा करके आपको पैसा देना है तो वैसा दो, आपको लगता है पहले पूरा पैसा आएगा फिर ही आपको प्रॉपर्टी दी जाएगी तो वैसा होगा। आपको पोजेशन भी हो सकता है, जैसे बी बोलता है कि मेरे को जब पूरा पैसा मिलेगा तब मैं आपको घर की चाबी दूंगा, तो ये भी हो सकता है। फिर रजिस्ट्री लगाना होता है, रजिस्ट्री ने सेल डीड लगाना, तो सेल डीड लगवाना पड़ता है। जब तक सेल डीड नहीं लगती तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। तो आपने देखा होगा अगर आपके घर पे किसी ने कभी प्रॉपर्टी खरीदा है बेचा है, तो कई बार आपने ऐसा बात करते हुए सुना होगा कि रजिस्ट्री लगाना है। तो रजिस्ट्री लगाना है मीन्स वही सेल डीड को रजिस्टर करना है। तो जब तक ये रजिस्टर नहीं होते तो आपके नाम से प्रॉपर्टी नहीं होती। तो ये सब भी धीरे धीरे अपन देखेंगे। बट यहाँ अभी बताने का मतलब क्या है मेरा, कि मतलब ये है कि आपको एक ब्रॉड ये बता दिया, एक दायरा बता दिया है, इसके अंदर रहते हुए आप जैसे चाहो वैसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सेल डीड क्या होता है वो आप धीरे धीरे समझेगा आपको। वैसे ज्यादातर लोगों को पता है जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदते बेचते हैं तो सेल डीड आपको बनाना पड़ता है, ठीक है। वो बाद में अपन देखेंगे, थोड़ा बहुत आएगा आगे, बट अभी उसके ऊपर अपन चर्चा नहीं करते, ठीक है। तो ए ने अगर बी से प्रॉपर्टी खरीदने का वादा किया तो यहाँ पे दे आर फ्री टू डिसाइड द टर्म्स, जैसा चाहो वैसे टर्म्स डिसाइड कर सकते हैं। वो बोल सकता है कि मैं तुमको चाबी तभी दूंगा जब मेरे को पूरा पैसा मिलेगा, या अपोजिट हो सकता है, ए बोलता है काम करो मेरे को चाबी तो दे दो, बाद में मैं थोड़ा थोड़ा करके पैसा देता हूँ। तो जैसा ये दोनों मिलके एग्री करेंगे वैसा हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों जन जहां पे भी सहमति बताएंगे वैसा ये लोग रूल्स बना सकते हैं। समझो यहाँ तो मैंने प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल लिया, समझो यहाँ पे आपको खरीदना था, समझो राइस चावल खरीदना था आपको, तो राइस के समझो 12 बैग्स खरीदने का आपने कॉन्ट्रैक्ट किया। अब 12 बैग आपको एक साथ नहीं चाहिए, तो आप बोल सकते हैं कि मेरे को 12 बैग चाहिए लेकिन हर महीने मेरे को एक एक बैग देते जाना, ठीक है। तो ऐसे केस में ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स हो गई। तो ये जैसा चाहो वैसा ये लोग टर्म्स डिसाइड कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये कहीं नहीं लिखा है कि आपको क्या करना पड़ेगा कैसे करना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सिर्फ दिया है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसके अंदर रहते हुए आप खुद के रूल्स डिसाइड कर सकते हैं। तो इन अ सेंस आप खुद यहाँ पे अपने हिसाब से कानून बना सकते हैं, अपने हिसाब से रूल्स बना सकते हैं। बाकी के कानून में ऐसा नहीं होता, बाकी के कानून में जैसा लिखा है वैसा ही करना है, आपको कोई डिस्क्रिशन नहीं होता, कंपलसरी होता है। डिस्क्रिशन मीन्स आप चाहो तो अपने हिसाब से चेंज कर सको, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिशन, ठीक है। तो दो चीज होती है, मैंडेटरी और डिस्क्रिशनरी। मैंडेटरी यानी कंपलसरी, और डिस्क्रिशनरी विच इज नॉट कंपलसरी, आप चाहो तो करो नहीं तो मत करो, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे डिस्क्रिशन है, आप जैसा चाहो वैसा करना कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि किश्तों में गुड्स दिए जाएंगे तो वैसा होगा, आप चाहते हैं किश्तों में पेमेंट किया जाएगा तो वैसा होगा, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट की भी बात हो सकती है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसीलिए बाकी के कानूनों से अलग है, बाकी के कानून में ऐसा नहीं होता, सीधा जैसा बोल दिया वैसा करना पड़ता है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे उसके अंदर रहते हुए उस दायरे में रहते हुए आप जैसे चाहें वैसे रूल्स बना सकते हैं, ठीक है। तो वही दिया है, यस द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी प्रिसाइज राइट्स एंड ड्यूटीज। प्रिसाइज यानी एकदम एग्जैक्ट, एग्जैक्ट राइट्स ड्यूटीज नहीं बताते हो विच द लॉ विल एनफोर्स और प्रोटेक्ट। इट लेज डाउन, तो लेज यानी चिप्स है, डाउन यानी नीचे गिरी है, नहीं लेज डाउन यानी वो नहीं, तो लेज डाउन द प्रिंसिपल्स, वो बताता है प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड विद इन दीज पैरामीटर्स, इसके दायरे में रहते हुए द पार्टीज आर फ्री टू फ्रेम एनी रूल्स दैट इज राइट्स एंड ड्यूटीज इन रिगार्ड टू सब्जेक्ट मैटर ऑफ देयर एग्रीमेंट। यानी वो जैसे चाहे वैसे उसमें रूल्स बना सकते हैं, ठीक है। इन दिस सेंस द पार्टीज आर मेकर्स ऑफ लॉ देमसेल्व्स, तो वो खुद के हिसाब से अपने कानून बना रहे हैं, अपने रूल्स बना रहे हैं। सो एग्जाम्पल दिया है, ये यहाँ से एग्जाम्पल चालू हो रहा है सिर्फ। सो इफ ए एंटर्स इन टू कॉन्ट्रैक्ट विद बी, तो ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ फॉर परचेस ऑफ अ प्रॉपर्टी, बिल्कुल सेम एग्जाम्पल, ए प्रॉपर्टी खरीद रहा है फ्रॉम बी, देन ए एंड बी आर फ्री टू डिसाइड, वो जैसा चाहे डिसाइड कर सकते हैं द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल द प्राइस, प्राइस कैसे दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, ये सब डिसाइड कर सकते हैं। टर्म्स ऑफ पेमेंट, टर्म्स डिसाइड करेंगे, इंस्टॉलमेंट पे कर सकते कि नहीं कर सकते, एडवांस में ही देना पड़ेगा क्या, तो ये सब चीजें डिसाइड करेंगे। फिर डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेल डीड, तो जो सेल डीड है, डीड बनाना पड़ता है, एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है पूरा, और उसको रजिस्टर करवाना पड़ता है गवर्नमेंट के पास, ठीक है। तो तभी जाके ओनरशिप ट्रांसफर होती है। तो सेल डीड कब लगाई जाएगी, तो उसकी भी तारीख रहती है। कई बार होता है कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा तो दे रहे लेकिन आपके नाम से अभी तक सेल डीड नहीं लगी है, तो उस पर सेल डीड लगाई जाती है, स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ता है,
ठीक है, तो सेल डेट का क्या मतलब है? तो जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते बेचते हैं तो एक डॉक्यूमेंट बनता है जो कि एक एडवोकेट से आप बनवाते हैं, उसको हम बोलते हैं सेल डीड। उसमें लिखा होता है कि ये तारीख को मैंने प्रॉपर्टी इसको बेच दिया, तो दैट इज कंपल्सरी, उसको रजिस्टर करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा है। तो जिसने पूछा था, दिशा ने पूछा था कि सेल डीड क्या है, तो आपको एक हल्का फुल्का आंसर यहाँ मिल जाएगा। फिर दीज मैटर्स आर टू बी डिसाइडेड बाय द पार्टीज देमसेल्व्स विद इन द पैरामीटर सेट बाय द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो पैरामीटर्स एक सेट कर दिया, दायरा बता दिया, इस दायरे में रहते हुए आप जैसे रूल्स चाहो वैसे बना सकते हो, तो इसीलिए ये बाकी के कानूनों से अलग होता है। ठीक है, तो बाकी के लॉ में ऐसा नहीं होता, जैसा बोला सीधा सीधा आपको वैसा फॉलो करना है, बट यहाँ पे आपको बहुत सारे डिस्क्रिप्शंस है, आप जैसे चाहो वैसे रूल्स बना सकते हैं, एंड देयर फोर इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर ब्रांचेस ऑफ लॉ। ठीक है, तो इन पे भी क्वेश्चन नहीं आएगा, अभी जो हम पढ़ रहे हैं इन पे क्वेश्चन आने वाली चीज आने की है, अभी तक हमने इनफैक्ट पढ़ना चालू किया ही नहीं है। अभी तक अपन क्या देख रहे हैं, अभी अपन बेसिक चीजें देख रहे हैं, तो धीरे धीरे अपन पढ़ना चालू करेंगे। अभी तक आपको कोई भी चीज, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो तक नहीं देखा अभी अपन ने, बोल तो रहे अपन इतने देर से कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो भी अभी तक हमने नहीं देखा, तो ये पूरा अपन देखेंगे डिटेल में। ठीक है, तो ये अभी तक अपन जो पढ़ रहे हैं इस पे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट ये सिर्फ आपको जो समझना चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए चीजें, इसीलिए बताया गया है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे मॉड्यूल वगैरह उठा के देखोगे जो इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको स्टडी मटेरियल आता है, या और कोई बुक उठा के देखोगे, तो यहाँ से चालू ही नहीं होती बुक, बुक डायरेक्टली व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट से चालू होते हुए दिखेगी आपको। ठीक है, तो ये यहाँ से चालू होते हुए दिखेगी बुक्स आपको बाकी की, लेकिन अपनी जो बुक है उसमें थोड़ा बेसिक चीजें पहले मैंने आपको बताया हूँ ताकि आपको पता लगे, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, तो अपन इसको भी देखेंगे। तो ऐसा है, तो फिर आगे अगला जो पॉइंट बोलता है, ये बोलता है द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिस्कस्ड अंडर द फॉलोइंग हेड्स, यानी आप कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या क्या पढ़ेंगे। तो यहां पे हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बताया हम पढ़ेंगे क्या क्या। तो पहली चीज है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो ये अपन चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, तो दिस इज द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं इसको हम बोलते हैं नेचर। नेचर का क्या मतलब है, कैसे होते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूंगा कि आपका नेचर कैसा है, तो आप बताओगे सर मेरे को गुस्सा बहुत आता है, ये आपका नेचर हो गया। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट में भी नेचर यानी वो कैसे होते हैं, तो उसके क्या फीचर्स रहेंगे, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे, तो ये सब चीजें अपन इस चैप्टर में देखेंगे। फिर सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। ठीक है, तो वो अपने को पढ़ना है। इनफैक्ट चैप्टर नंबर 2 से लेके चैप्टर नंबर 6 तक के अपन यही पढ़ने वाले हैं, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कैसे। तो चैप्टर नंबर 2 से लेके 6 तक के अपन यही पढ़ने वाले कि कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है। ठीक है, तो हाउ अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, कैसे बनेगा, व्हाट थिंग्स आर नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो ये सब चीजें बहुत डिटेल में अपने को पढ़ना है फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 टू चैप्टर नंबर 6, तो अपन देखेंगे। फिर ऑपरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑपरेशन यानी वो ऑपरेट कैसे होगा, पूरा कैसे होगा, परफॉर्म कैसे होगा, तो ये इसको हम बोलते हैं ऑपरेशन, ऑपरेशन यानी हाउ विल इट ऑपरेट, कैसे वो चलेगा, कैसे वो कंप्लीट होगा। तो हुम द कॉन्ट्रैक्ट अफेक्ट्स, कौन कौन सी पार्टीज को इससे फर्क पड़ेगा, एंड हाउ द कॉन्ट्रैक्ट इज परफॉर्म्ड, ये भी पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 में। ठीक है, इनफैक्ट 8 में, 7 में नहीं, चैप्टर नंबर 8 में। चैप्टर 7 एक अलग है, वो अलग प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है, क्वाजी और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो बाद में आपको पता लगेगा। तो चैप्टर नंबर 8 में ये देखने वाले हैं अपन कि परफॉर्म कैसे होगा कॉन्ट्रैक्ट, पूरा कैसे होगा, ऑपरेट कैसे होता है, तो ये अपने को देखना है चैप्टर नंबर 8 में। फिर डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज यानी खत्म होना। ठीक है, जैसे आप बोलते हैं मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई, तो डिस्चार्ज हो गई मीन्स खत्म हो गई। ठीक है, तो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कॉन्ट्रैक्ट कैसे पूरे तरह से खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो कैसे होगा, और अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा जाता है तो क्या होगा, तो ये सब चीजें अपने को पढ़ना है चैप्टर नंबर 9 में। तो व्हेन द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस अराइजिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट आर एक्सटिंग्विश्ड, और अगला पॉइंट भी रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर नंबर 9 में, तो ये अपन देखेंगे डिटेल में। ठीक है, तो ये अभी सिर्फ ये बताया सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कैसे कैसे आप डिस्कस करोगे, कैसे कैसे आप देखोगे, तो ये सब पॉइंट्स में अपन देखने वाले हैं।
ठीक है। तो ये सब चीजों के ऊपर अपने बुक में एक एक आपको चैप्टर मिलेगा, तो अपन एक एक चैप्टर करके देखेंगे। अभी आपको सिर्फ फर्स्ट चैप्टर मिला है, धीरे धीरे आपको सेकेंड थर्ड ये मैं आपको देते जाऊंगा, ठीक है। तो ऐसा है, तो ये था अभी तक बेसिक चीजें, इन पे आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन आने वाले पॉइंट्स यहाँ से चालू हो रहे हैं। अब हम एक्चुअल वर्डिंग्स पे आ रहे हैं, जो लॉ बोलता है। अब हम लॉ पढ़ना सीखेंगे, अभी तक हमने लॉ पढ़ना नहीं सीखा, अभी तक हम सिर्फ बेसिक चर्चा कर रहे थे, सिर्फ बातें कर रहे थे कि लॉ क्या होता है और कैसे क्या बनता है, क्या क्यों बनाया गया है, तो ये सब चीजें एकदम जनरल चर्चा कर रहे थे। बट अब हम जो देखेंगे ये अब एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या लिखा है ये अपन चालू करेंगे। तो यहां से आपका पोर्शन चालू होता है, तो अपन देखना चालू करते हैं एक एक करके। यहां तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, वैसे थोड़ा एक बार और आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे डाउट्स अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो आगे जैसे ही बढ़ते हैं अपन तो क्लियर हो जाता है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई डाउट रहा तो फिर से मैं एक चांस दूंगा, उसमें अपन पूछ लेंगे। तो सबसे पहले तो आप कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट अपन इतना चिल्ला रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट यानी है क्या? तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है ये अपन नहीं बोलेंगे, ये बोलेगा एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ठीक है। तो एक्ट में यही चीजें लिखी होती है कि ये क्या है, क्या करना क्या नहीं करना, तो पहले तो बताना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट इतने बार अपन वर्ड यूज कर रहे हैं, इतने बार बोला जा रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ये भी बताई गई है इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन नंबर 2H डिफाइन करता है व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन नंबर्स याद रखने की आपकी कोई आवश्यकता नहीं है, सेक्शंस याद नहीं रहे तो चलता है। ज्यादातर एक्ट में सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशन से डील करता है। तो अलग अलग सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 1 उसमें कुछ लिखा रहेगा जनरली एप्लीकेबिलिटी की, ये कानून कहाँ कहाँ लगेगा। जैसे हमने पढ़ा था कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरे भारतवर्ष में एक प्रकार से लागू होता है, ये सब सेक्शन नंबर 1 में लिखा होता है। सेक्शन 2 ज्यादातर एक्ट के डेफिनेशंस बताते हैं, तो सेक्शन 2 में लिस्ट ऑफ डेफिनेशंस रहेंगे। जैसे 2 में ही लिखा रहेगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, 2 में लिखा रहेगा एग्रीमेंट क्या होता है, 2 में लिखा रहेगा कि कौन कौन पार्टीज है, कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा। तो ये सब डिफाइन डेफिनेशन, सिर्फ डेफिनेशन। तो रेमेडीज फॉर ब्रीच, तो ब्रीच क्या होता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है, ये सब चीजें लिखी रहेगी इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इटसेल्फ। तो सेक्शन नंबर 2H में लिखा है, तो 2 में लाइन से दिया है ABCDEFGH, तो उसमें H वाले पॉइंट में लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो सेक्शन 2H डिफाइन करता है व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें वर्ड्स लिखे हैं एन एग्रीमेंट, एनफोर्सिएबल बाय लॉ, ये लिखने की जरूरत नहीं है, दिया है आपके बुक में। तो मैं जब ऐसा नहीं लिखना होगा तो मैं बता दूंगा, अगर कुछ नहीं बताया तो आपने लिख लेना चाहिए। तो एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, तो दो चीजें इसमें बताई गई है, क्या क्या चीज। पहली चीज बोल दिया देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, फिर दूसरी चीज उसी में लिखी है एनफोर्सिएबल बाय लॉ। तो अब इससे भी कुछ नहीं समझता, क्योंकि हमने पूछा कॉन्ट्रैक्ट क्या है तो उन्होंने बोल दिया एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, तो कुछ समझा क्या? तो नहीं। इसीलिए अपन इसको और तोड़ते जाएंगे। लॉ में अगर आपको बहुत अच्छा लॉ समझना है, इंटरप्रिटेशन सीखना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है तोड़ना सीखो। तोड़ना है ना, वैसा वाला तोड़ना नहीं, तो तोड़ना है ना आपको, एक एक वर्ड का मीनिंग निकालना पड़ेगा, एक एक चीज तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के अपन देखेंगे। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट वर्ड डिफाइन किया है और डिफाइन किया है एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। यानी आपको यहां से भले ही कुछ समझे ना समझे, लेकिन दो चीज समझ में आती है कॉन्ट्रैक्ट में, एक होना चाहिए एग्रीमेंट, दूसरा होना चाहिए एनफोर्सिएबल बाय लॉ। तो दो चीज हो गई, अब इसका क्या मतलब है, तो एक एक करके इनको भी हम जानते हैं। जैसे एग्रीमेंट यानी क्या, अब इन्होंने बोल दिया एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट यानी क्या, तो एग्रीमेंट को भी डिफाइन किया है। एग्रीमेंट कैसे डिफाइन किया है, तो एग्रीमेंट यानी उसकी डेफिनेशन है एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। तो अभी ये समझेगा नहीं, पहले मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको ये समझाता हूँ, ठीक है, उसके बाद हम एग्रीमेंट पे चर्चा करेंगे। तो एग्रीमेंट यानी क्या, तो डिफाइन किया है, समझो ए है, ए बी को पूछता है, मिस्टर है मिस्टर बी को पूछता है, क्या तुम मेरी कार खरीदोगे, क्या तुम मेरी कार खरीदोगे,
1 लाख रुपए में, तो ए बी को पूछता है क्या तुम मेरी कार खरीदोगे 1 लाख रुपए में, बी बोलता है हाँ, तो ए ने बी को पूछा और बी ने बोल दिया हाँ। तो यहां पे क्या हुआ, ए ने कुछ पूछा क्या तुम ये करोगे और बी ने हाँ बोला, तो अगर आप देखो तो यहां पे जैसे इसने हाँ बोला तो दो प्रोमिसेस क्रिएट हो गए, कैसे प्रोमिसेस, तो एक हो गया ए कार देने का वादा कर रहा है, जैसे इसने हाँ बोल दिया, ए ने बोला क्या तुम मेरी कार खरीदोगे 1 लाख रुपए में, बी ने बोला हाँ, तो दो वादे क्रिएट हो गए, एक वादा है ए को कार देना पड़ेगा और दूसरा वादा है बी को 1 लाख रुपए देना पड़ेगा, मीन्स यहाँ पे दो प्रोमिसेस क्रिएट हो गए, और ये दोनों प्रोमिस कैसे हैं, तो एक दूसरे के बदले में है, क्या अगर ए को 1 लाख रुपए नहीं मिलेंगे तो क्या वो कार देगा, तो नहीं, क्योंकि उसने बोला ही था कि कार 1 लाख रुपए के बदले में, वैसे ही बी को अगर कार नहीं मिलेगी तो क्या वो 1 लाख रुपए देगा, तो नहीं देगा, तो वही चीज है कि अगर दोनों जन एक दूसरे को परफॉर्म नहीं करेंगे तो यहाँ पे वो पूरा कोई भी व्यक्ति मुकर सकता है, अगर समझो ए ने पूरा नहीं किया तो बी भी पूरा नहीं करेगा, बी ने पूरा नहीं किया तो ए भी पूरा नहीं करेगा, और इसीलिए हम इसको ही बोलते हैं दोनों एक दूसरे के बदले में है, अगर कार नहीं होगी तो 1 लाख रुपए नहीं होंगे, 1 लाख रुपए नहीं होंगे तो कार नहीं होंगे, और यही चीज डिफाइन की है एग्रीमेंट वर्ड में, और इसको तोड़ेंगे तो एग्रीमेंट को क्या डिफाइन किया है, एग्रीमेंट को डिफाइन किया है एवरी प्रॉमिस, ये एक प्रॉमिस हो गया कार देने का, और सेट ऑफ प्रॉमिसेस, सेट यानी एक से ज्यादा, तो यहाँ पे दूसरी प्रॉमिस हो गई 1 लाख रुपए देने की, तो एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर इच अदर, कंसिडरेशन वर्ड आपको यहाँ देखने को मिलेगा, तो कंसिडरेशन का क्या मतलब है, कंसिडरेशन का मतलब है कि बदले में, जब भी हम कंसिडरेशन वर्ड देखेंगे तो बदले में, तो ये एक और वर्ड है, इसके ऊपर बहुत चर्चा करना है अपने को, चैप्टर नंबर 3 का नाम ही है कंसिडरेशन, ठीक है, तो अपन ये देखेंगे, तो कंसिडरेशन यानी क्या, तो कंसिडरेशन मीन्स बदले में, ठीक है, तो डिफाइन क्या किया है, जब एग्रीमेंट की आप डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, तो उसको डिफाइन किया है एग्रीमेंट मीन्स एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिसेस, फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, ये रटने की जरूरत नहीं है, समझते जाओ सिर्फ, तो रटने की आवश्यकता नहीं है, तो क्या बोल दिया है, डेफिनेशन की बात करते हैं अगर, तो डेफिनेशन में बोला है एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, कंसिडरेशन क्या है और डिटेल में समझेगा, तो अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो बदले में, कि कार के बदले में ए को क्या मिला 1 लाख रुपए, 1 लाख के बदले में बी को क्या मिला कार, तो इसको हम बोलते हैं कंसिडरेशन, दोनों को एक दूसरे के बदले में मिली है चीज, ठीक है, तो प्रॉमिस जो है दोनों की एक दूसरे के बदले में है, अगर ए कार नहीं देगा तो उसको 1 लाख रुपए नहीं मिलेंगे, बी 1 लाख नहीं देगा तो उसको कार नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे दोनों को एक दूसरे के बदले में वादे मिले हैं, और इसीलिए प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिसेस, तो एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, दोनों एक दूसरे के बदले में है, तो फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, इज एन एग्रीमेंट, तो ये एग्रीमेंट होता है, और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो एग्रीमेंट के बाद अपन और थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो पता लगेगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अब ये जो प्रॉमिस वर्ड यूज किया है, यहां पे भी दिक्कत आ सकती है, कोई बोलेगा कि सर प्रॉमिस बोले तो क्या, प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिसेस का क्या मतलब है, तो इन्होंने बोल दिया प्रॉमिस मीन्स एन एक्सेप्टेड प्रपोजल, रटने की कुछ जरूरत नहीं है, समझते जाओ, अपन जो भी पढ़ रहे हैं समझते जाओ, तो देखो यहां पे ए ने जब बी को पूछा क्या तुम मेरी कार खरीदोगे 1 लाख रुपए में, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ए ने बी को प्रपोजल रखा, तो उसने प्रपोजल दिया, तो उसने प्रपोज किया, प्रपोज यानी वो वाला नहीं जो आप सोच रहे, तो ये भी प्रपोजल है, ऑफर आना, तो ऑफर प्रपोजल, जैसे कि आपने उसको पूछा क्या तू मेरे साथ मूवी देखने चलेगी, तो दिस इज एन ऑफर, दिस इज अ प्रपोजल, आपने ऑफर किया उसको कि मूवी देखने चलते हैं, ठीक है, या प्रपोजल किया आपने, अब वो अगर हाँ बोलेगी तभी वादे क्रिएट होंगे, अगर वो नहीं बोलेगी तो क्या वहां वादे होते हैं, तो नहीं, अगर उसने हाँ बोली तो फिर आप बोलोगे उसने वादा की कि मूवी देखने जाएगी, ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं बोल देगी तो कोई वादा नहीं होता, वैसे यहाँ पे है कि प्रॉमिस कब होगी, जब इसने कुछ पूछा था
और दूसरे ने उसको हाँ बोला, अगर वो हाँ बोलता ही नहीं है तो कोई एग्रीमेंट ही नहीं हुआ। और इसीलिए प्रॉमिस ये कब बनेगी, दोनों की प्रॉमिस कब वैलिड रहेगी, जब एक ने प्रपोजल दिया था और दूसरे ने एक्सेप्ट किया है। इसको ही हम बोलते हैं एक्सेप्ट करना, प्रपोजल को एक्सेप्ट करना। तो हाँ बोला उसने मींस एक्सेप्ट किया, मींस एक ने ऑफर दिया था दूसरे ने एक्सेप्ट किया, यही डेफिनेशन है प्रॉमिस की। वादे तभी क्रिएट हो रहे हैं, प्रॉमिस तभी हो रही है जब एक ने कुछ बोला और दूसरे ने उसको हाँ बोला। अगर वो नहीं बोल देगा तो कोई वादा ही नहीं हुआ, लेकिन वो अगर हाँ बोलेगा तो वादे क्रिएट होते हैं। तो एग्रीमेंट हो जाता है, एग्री हो गया, जैसे इसने कुछ पूछा और इसने हाँ बोला तो दे हैव एग्रीड ऑन समथिंग, दोनों ने कोई एक चीज पे एग्री किया है। तो इसी को हम बोलते हैं एग्रीमेंट, यही है प्रोमिसेस। इसी को आप आसान शब्दों में अगर बोलना चाहें एक्सेप्टेड प्रपोजल, तो इसी को आप आसान शब्दों में बोल सकते हैं ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो अगर मैं सिंपल एक वर्ड में आपको पूछूं एग्रीमेंट क्या है, तो आप बोलोगे एग्रीमेंट मीन्स ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो ऑफर और एक्सेप्टेंस आएगा तभी एग्री हुआ। अगर ये ऑफर करता ही नहीं, ए अगर पूछता ही नहीं बी से कि क्या तुम मेरी कार खरीदोगे 1 लाख रुपए में, तो कोई एग्रीमेंट नहीं हो सकता। या तो ए पूछता है क्या तुम मेरी कार खरीदोगे 1 लाख रुपए में और बी बोल देता है नहीं, जैसे उसने नहीं बोल दिया तो कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। तो एग्रीमेंट का क्या मतलब है, ऑफर किया और एक्सेप्ट किया तो हम बोलेंगे एग्री हो गया। ठीक है, तो आपको इसीलिए जो डेफिनेशन है एकदम उसको रटने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ समझना है। तो एग्रीमेंट यानी क्या, अगर डेफिनेशन के हिसाब से देखो तो डेफिनेशन काफी डीप में बोलती है कि प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर इच अदर। फिर कंसिडरेशन क्या है तो ये डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में। अभी भी मैं इस चैप्टर में भी कई चीजें बता दूंगा आपको, धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे। अभी अपन सिर्फ एग्रीमेंट पे फोकस कर रहे हैं, बाद में अपन कंसिडरेशन की चर्चा करेंगे। एक एक वर्ड को अपने को उठाना है और तोड़ना है। ठीक है, तो एग्रीमेंट यानी क्या, अगर आप सबसे बेसिक उसको तोड़ तोड़ के लेके आओगे तो एग्रीमेंट का आखिरी में मतलब निकलता है एक्सेप्टेड प्रपोजल मीन्स ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। तो कॉन्ट्रैक्ट में पहली चीज तो है एग्रीमेंट होना चाहिए, अगर वो हाँ बोलेगा ही नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। बट एग्रीमेंट के साथ साथ क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट के साथ साथ होना चाहिए एनफोर्सिएबल बाय लॉ। अब हम आते हैं दूसरे वाले वर्ड के ऊपर, एनफोर्सिएबल बाय लॉ का क्या मतलब है। तो दो वर्ड है, एग्रीमेंट और एनफोर्सिएबल बाय लॉ। तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन ये, पहले तो होना चाहिए एग्रीमेंट, फिर होना चाहिए एनफोर्सिएबल बाय लॉ। अगर दोनों होगा तब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे अपन इसको क्लैरिफाई करते हैं, अभी अपन सिर्फ वर्ड्स को तोड़ रहे हैं, बाद में सबको एक साथ जोड़ के देखेंगे कि अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट है क्या। ठीक है, तो अभी अपन तोड़ रहे हैं पहले सिर्फ। तो दो चीज बोल दिया, पहला बोला एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट को अगर आप सिंपल वर्ड्स में बोलो तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ऑफर किया और उसने हाँ बोला, तो दैट इज कॉल्ड एज एग्रीमेंट। दूसरा है एनफोर्सिएबल बाय लॉ। एनफोर्सिएबल बाय लॉ का मतलब है लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट होना चाहिए। ऑब्लिगेशंस को आसान शब्दों में बोलो तो ड्यूटी, तो लीगल ड्यूटी क्रिएट होना चाहिए। लीगल ड्यूटी का क्या मतलब है, तो सोच के देखो, आपको आपके फ्रेंड ने बोला कि भाई डिनर पे चलते हैं, या आपने उसको पूछा कि कॉफी पीने चलती क्या, उसने हाँ बोली लेकिन टाइम पे नहीं आई, तो क्या आप उसके ऊपर केस फाइल कर सकते हो क्या? सोच के देखो, क्या केस फाइल कर सकते हो आप? तो आंसर है नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या आपका इंटेंशन ये था कि लीगल एनफोर्सेबिलिटी रहे, क्या आपने ये इंटेंशन से ये किया था कि अगर वो नहीं आएंगे तो अपन उसको पुलिस स्टेशन में देख लेंगे या कोर्ट में देख लेंगे? तो नहीं। तो यहाँ पे आपका इंटेंशन लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट करने का नहीं था, ये तो आपस की बात है। समझो मैंने आपको पार्टी में बुलाया, मैंने बोला कि मैंने पार्टी रखा हूं, मेरी शादी है, समझो रेडिसन ब्लू में आप सबको आना है। आप लोग बोले हाँ हाँ सर जरूर आएंगे जरूर आएंगे, और आप नहीं आए, तो क्या मैं आपके ऊपर केस फाइल कर सकता हूँ क्या? क्या मैं आपको सीधा केस फाइल कर लूंगा कि हाँ आएंगे बोले थे और आए नहीं, चलो अब केस में कोर्ट में देखेंगे? तो ऐसा कर सकते हैं क्या? तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देयर वॉज नो इंटेंशन ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन। यहाँ पे भी एग्री तो हुआ था, मैंने आपसे पूछा था कि आप शादी में आएंगे, आप बोले थे हाँ सर जरूर आएंगे, लेकिन आप नहीं आए, तो क्या यहाँ पे मैं केस फाइल कर सकता हूँ? आंसर है नहीं। तो इसीलिए एनफोर्सिएबल बाय लॉ का मतलब ही है, अगर पूरा ना करें तो हम कोर्ट जा सकें, उसको हम बोलेंगे लीगल ऑब्लिगेशन या एनफोर्सिएबल बाय लॉ।
ठीक है, तो एनफोर्सेबल बाय लॉ मीन्स आपकी ड्यूटी है, आपको आना ही है, तो ऐसे केस में हम बोलेंगे एनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, बट यहाँ कोई ड्यूटी नहीं होती, तो आपकी कोई ड्यूटी है क्या? मैंने बुलाया आपको कि मेरी शादी है, आपको आना है, तो क्या ये ड्यूटी है आपकी कि आना ही पड़ेगा? तो नहीं। देखो ड्यूटी भी कौन सी बोल रहा हूं मैं, लीगल ड्यूटी। मॉरल ड्यूटी हो सकती है, आपको लग सकता है नहीं यार सर ने बुलाया तो जाना चाहिए, बुरा लगेगा सर को, ये एक ड्यूटी हो सकती है, बट दिस इज अ मॉरल ड्यूटी। आपको मैं केस वगैरह नहीं कर सकता, आपके ऊपर मैं कुछ भी एक्शन नहीं ले सकता अगर आप नहीं आओगे तो ये जो है सोशल इन्विटेशन है, ये लीगल इन्विटेशन नहीं था। यहाँ पे मैंने क्या किया था, मैंने सिर्फ आपको बोला था कि खाना खाने आना है या शादी में आना है, तो आप आओ या नहीं आओ, यहाँ मेरा इंटेंशन केस फाइल करने का नहीं है। ठीक है, बट आते तो अच्छा लगता। तो इंटेंशन देखना पड़ता है आपको, जब आप कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं तो दो चीज होना चाहिए, एग्रीमेंट तो होना ही चाहिए लेकिन साथ में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन भी होना चाहिए। तो लीगल ऑब्लिगेशन का अगर इंटेंशन नहीं होता है तो ऐसे केसेस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है, भले ही एग्रीमेंट होगा लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ऐसा बहुत बार होता है, आपके घर पे कोई अंकल आते हैं, वो बोलते हैं बेटा शादी है आना है, और आप बोलते हैं जी अंकल हम जरूर आएंगे, और आप नहीं जाते, तो आप कहाँ जाते? अपन ज्यादातर शादी में नहीं जाते, आप क्या, मैं भी नहीं जाता, तो अपन लोग ज्यादातर शादी में नहीं जाते, अपन ऐसी शादी में जाते या तो जहाँ पे बहुत अच्छे लोग आते हैं या तो बहुत अच्छा खाना होता है। अच्छे लोग यानी आप समझ गए, और अच्छा खाना तो पता ही है आपको। तो खैर हाँ, तो हर शादी में आप नहीं जाते, तो क्या वो केस फाइल कर देते हैं क्या आपके ऊपर? तो नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देयर वॉज नो लीगल ऑब्लिगेशन। कोई आपकी जिम्मेदारी थी क्या वहां जाने की? तो नहीं, लीगल ऑब्लिगेशन नहीं था। मॉरल ऑब्लिगेशन हो सकता है, यार अंकल जी ने इतने प्यार से बोला है तो जाना चाहिए, तो मॉरली हो सकता है कि आपने जाना चाहिए, बट लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो लीगल ऑब्लिगेशन अगर क्रिएट कर रहा है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट है, अगर नहीं क्रिएट कर रहा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो दो चीज होना चाहिए, दोनों चीज रहेगी तभी कॉन्ट्रैक्ट होगा। एग्रीमेंट भी होना चाहिए, यानी हाँ भी बोला होना चाहिए, एक ने पूछा दूसरे ने हाँ बोला, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ये वाले वर्ड्स भी अपन बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस बहुत डिटेल में, पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 में अपन इसी की चर्चा करेंगे, व्हाट इज एन ऑफर, व्हाट इज एन एक्सेप्टेंस, ये कब पूरा होता है, तो कब ऑफर कंप्लीट हो जाएगा, तो ये सब चीजें देखेंगे, कब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो ये अपन सेकेंड चैप्टर जो है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस बहुत डिटेल में देखेंगे, बट अभी सिर्फ ये ध्यान रखो कि ऑफर और एक्सेप्टेंस होना चाहिए। अभी ऑफर को अपन ने तोड़ा नहीं है, ऑफर को तोड़ने का काम है अपना अगला चैप्टर, वैसे एक्सेप्टेंस को तोड़ने का काम है अगले चैप्टर में। ठीक है, तो आपको सिर्फ अभी यहां तक आना है कि ऑफर और एक्सेप्टेंस, सिर्फ इतना समझना है कि ए ने बी को कुछ पूछा तो हम बोलेंगे ये ऑफर है, और बी ने उसको हाँ बोल दिया तो हम बोलेंगे वो एक्सेप्टेंस है। ठीक है, तो ये ऑफर एक्सेप्टेंस और डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहली चीज है ऑफर एक्सेप्टेंस होना चाहिए, यानी एग्रीमेंट होना चाहिए। दूसरी चीज है, दूसरी चीज क्या होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में, तो दूसरी चीज है लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट करना। अगर वो लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट नहीं करते, वहां इंटेंशन आपका केस फाइल करना था ही नहीं। कई बार होता है, उसने बोली थी कि मूवी देखने चलूंगी, आपने पूछे थे मूवी देखने आएगी क्या, वो बोली थी हाँ आऊंगी, लेकिन नहीं आती है, वो टाइम पे मना कर देती है, पापा ने मना कर दिया, या जो भी है। तो ऐसे केसेस में क्या आप उसके ऊपर केस फाइल कर देंगे? तो नहीं, आप ये नहीं कर सकते। तो ये सोशल इन्विटेशन है, लीगल इन्विटेशन नहीं है, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं हुए। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे भी ऑब्लिगेशन हो सकते हैं, बहुत प्रकार के हो सकते हैं। जैसे मैंने अगर आपको खाने पे बुलाया हूं तो आपको ऑब्लिगेशन होगा, मॉरल ऑब्लिगेशन होगा कि यार शर्मा जी बोल रहे हैं तो आना ही चाहिए, अपन ने तो जाना चाहिए, लेकिन आप नहीं आओगे तो क्या मैं केस फाइल कर पाऊंगा? तो नहीं कर पाऊंगा, एंड दैट इज वाई हम बोलेंगे यहाँ लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं हो रहे। तो लीगल ऑब्लिगेशन को अगर एक वर्ड में समअप करना है, एक सेंटेंस में समअप करना है, तो ऐसा ऑब्लिगेशन जो पूरा नहीं किए तो कोर्ट जा सके, केस फाइल कर सके, दैट इज कॉल्ड एज लीगल ऑब्लिगेशन। तो दोनों चीज होना चाहिए, ड्यूटी तो है लेकिन ड्यूटी कैसी होना चाहिए? लीगल, यानी कोर्ट जा सके ऐसी ड्यूटी। ठीक है, तो दो चीजें होना चाहिए उसमें, पहला एक एग्रीमेंट, दूसरा एनफोर्सेबल बाय लॉ। दोनों को हमने तोड़ा, एग्रीमेंट को तोड़ के निकाले प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, कंसिडरेशन डिटेल में पढ़ेंगे, उस पर अभी चर्चा नहीं कर रहे। फिर प्रॉमिस क्या था उसको हमने तोड़ा, प्रॉमिस में हमने देखा इट इज एन एक्सेप्टेड प्रपोजल, एक्सेप्टेड प्रपोजल, प्रपोजल आया एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टेड प्रपोजल, दैट मींस इट इज एन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, फिर दूसरी चीज लीगल ऑब्लिगेशन, तो ये हमने अभी सिर्फ समझा है, अब हम इसको पढ़ के देखते हैं। तो देखो डेफिनेशंस, डेफिनेशंस बताई गई है, ये सब चीज की डेफिनेशन अलग अलग सेक्शंस में है। जैसे सेक्शन 2H में डिफाइन किया है व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो दो चीज निकल के आई, एग्रीमेंट
एंड एनफोर्सिएबल बाय लॉ। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? तो इट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। ठीक है, फिर डज अ कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स? दो चीजें इसमें पाई जाती हैं, पहला एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट मिला इसमें, दूसरा लीगल ऑब्लिगेशन। लीगल ऑब्लिगेशन यानी वही एनफोर्सिएबल बाय लॉ, दैट इज कॉल्ड एज लीगल ऑब्लिगेशन। ठीक है, दैट इज अ ड्यूटी। ऑब्लिगेशन यानी क्या? ड्यूटी। एनफोर्सिएबल बाय लॉ, एनफोर्सिएबल बाय लॉ का मतलब है अगर पूरा नहीं किया तो कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो एनफोर्सिएबल बाय लॉ का मतलब है कि अगर पूरा नहीं किया तो कोर्ट जा सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं एनफोर्सिएबल बाय लॉ। तो एनफोर्सिएबल बाय लॉ मीन्स अगर लीगल एक्शन ले सकते हो आप तो दैट इज कॉल्ड एज एनफोर्सिएबल बाय लॉ, अगर नहीं ले सकते तो एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है। जैसे शादी में बुलाते हैं लोग, आप नहीं जाते तो कोई एक्शन नहीं ले सकता आपके ऊपर, तो दैट इज नॉट अ लीगल ऑब्लिगेशन। वहां भी ऑफर एक्सेप्टेंस हुआ था, उन्होंने बोले थे बेटा शादी में आना, आओगे ना? आप बोले थे जी अंकल जरूर आऊंगा, आप नहीं गए तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो भले ही देयर वॉज एन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, भले ही देयर वॉज एन एग्रीमेंट, बट देयर वॉज नो कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि दोनों चीजों का होना अनिवार्य है, अगर दोनों में से एक भी चीज नहीं होती है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। ठीक है, तो ऐसा है, कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट है और लीगल ऑब्लिगेशन है, दो चीज। एग्रीमेंट यानी क्या? तो एग्रीमेंट को भी डिफाइन किया है सेक्शन 2E में। ये ई कैपिटल हो गया, लेकिन ये कैपिटल नहीं होना चाहिए, एक्चुअली फॉन्ट्स के कारण कैपिटल हो गया। तो ई जो है ये छोटा रहता है, जब भी वो बताऊंगा मैं वो क्या होता है, क्यों ऐसा होता है, तो इसको हम क्लॉजेस बोलते हैं, सबसेक्शन क्लॉज, ये क्या होते हैं धीरे धीरे पता लगेगा आपको। ठीक है, तो ये सेक्शन 2E है और 2B है। ठीक है, तो 2E डिफाइन करता है एग्रीमेंट को। ठीक है, तो एग्रीमेंट क्या बोलता है वो आगे दिया है, देख लेते हैं। एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2E। क्या बोला है 2E ने? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, फॉर्मिंग द कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब है बदले में। तो फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। ठीक है, नाउ व्हाट इज अ प्रॉमिस? अब यहां वर्ड आया प्रॉमिस, तो प्रॉमिस को उठा लो। एंड व्हाट इज अ प्रॉमिस? तो प्रॉमिस इज डिफाइंड एज एन एक्सेप्टेड प्रपोजल। तो इट इज एन एक्सेप्टेड प्रपोजल, प्रपोजल एक्सेप्ट किया। फॉर सेक्शन 2B सेज, फॉर यानी बिकॉज, सेक्शन 2B सेज अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। और इसीलिए एग्रीमेंट की अगर आप डेफिनेशन देखो तो इज एन एक्सेप्टेड प्रपोजल, और सबसे आसान शब्दों में, दो वर्ड्स में अगर आपको बोलना है तो एग्रीमेंट मींस एन ऑफर प्लस एन एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इज एन एग्रीमेंट, एक ने पूछा दूसरे ने हाँ बोला, तो दिस इज एन एग्रीमेंट। तो वही बताया एग्रीमेंट का क्या मतलब है। तो द प्रोसेस ऑफ डेफिनेशन कम्स डाउन टू दिस, एन एग्रीमेंट कम्स इन टू एग्जिस्टेंस वेन वन पार्टी, जैसे कि ए हो गया, मेक्स अ प्रपोजल और ऑफर टू द अदर पार्टी। तो एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को ऑफर किया, तो ए ने बी को पूछा क्या तुम मेरी कार खरीदोगे 1,00,000 रुपए में? तो ए ने प्रपोजल किया, ऑफर किया टू द अदर पार्टी, एंड दैट अदर पार्टी गिव्स हिज एक्सेप्टेंस देयर टू, अदर पार्टी ने उसको बोल दिया हाँ। तो जैसे उसने बोल दिया हाँ, तो ये क्या बन गया? एग्रीमेंट। ये अभी एग्रीमेंट बना, कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं ये अपन देखेंगे। ठीक है, उसके लिए लीगल ऑब्लिगेशन पे आना है, तो एग्रीमेंट बन जाता है। Thus there should be an exchange of promises. तो promises exchange हो रही है, एक कार देने की वादा कर रहा है, दूसरा पैसे देने की वादा कर रहा है। ठीक है, there must be two or more persons to make an agreement. अब ये भी आपको पता है, दो या दो से ज्यादा लोग ही होना चाहिए एक एग्रीमेंट करने के लिए। अगर दो लोग नहीं है तो खुद से एग्रीमेंट नहीं होता। आपको जैसे शर्मा सर ने भी पढ़ाए होंगे, आपने शर्मा सर की क्लास किए होंगे अकाउंट्स की, तो उसमें शर्मा सर बताते हैं मैंने ये खिसे से पैसे निकाले, ये खिसे में डाले, ट्रांजेक्शन हुआ क्या? तो आंसर है नहीं हुआ। तो ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने यहां से पैसे निकाल रहे यहां डाले, तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता। उसी प्रकार से मैंने यहां से मोबाइल निकाला यहां पे रख लिया, यहां से पैसे निकाले यहां रख लिए, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, एग्रीमेंट हो जाएगा? तो नहीं होगा। एग्रीमेंट के लिए दो लोगों की आवश्यकता होती है।
ठीक है, तो अकेला व्यक्ति एग्रीमेंट नहीं कर सकता। जैसे कि शर्मा सर भी बोलते हैं कि दो लोग हो ना कोई भी ट्रांजेक्शन के लिए, तो ट्रांजेक्शन तभी होगा जब दो जन है। तो अगर मैं ये खिस्से से पैसा निकालूंगा, ये खिस्से से पॉकेट से, और ये खिस्से में डालूंगा, तो दैट इज नॉट अ ट्रांजेक्शन। उसी प्रकार से यहां पे भी एग्रीमेंट होने के लिए दो लोगों का होना, दो व्यक्तियों का होना अनिवार्य है, कंपलसरी है। अकेला व्यक्ति खुद से एग्री नहीं हो सकते कभी, आप खुद से एग्री नहीं करते हैं, ठीक है। तो एग्री किससे करते हैं, दूसरों से किया जाता है, ठीक है। तो खुद से तो वो आप इमोशनल वगैरह जो बात है वो अलग हो गई, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं अपन, तो कॉन्ट्रैक्ट में खुद से कभी एग्री नहीं किया जाता, ठीक है। तो ऐसा है। हाँ, फिर वही दिया है, देयर मस्ट बी टू और मोर पर्सन टू मेक एन एग्रीमेंट, बिकॉज वन पर्सन के नॉट एंटर इन टू एन एग्रीमेंट विद हिमसेल्फ, देयर शुड ऑल्सो बी कंसेंसस एड इडम। अब ये क्या होता है, ये आगे आएगा, कंसेंसस एड इडम, ये आएगा चैप्टर नंबर 4 में। कंसेंसस एड इडम का क्या मतलब है, कंसेंसस एड इडम का मतलब है, अभी आसान शब्दों में बता रहा हूं, आगे और डिटेल में अपन पढ़ेंगे इसको। आप सीधा सीधा बोल सकते हैं देयर मस्ट बी कंसेंट, कंसेंट होना चाहिए। अब कंसेंट का क्या मतलब है, तो कंसेंट का मतलब है, समझो मेरे पास दो कार है, जब यहां पे ये कार बेच रहा है, ए बी को पूछ रहा है, तो यहां समझो उसके पास दो कार है, दो कार है ना, बेकार बेकार बे है ना, दो कार, तो दो कार है, समझो इसके पास है एक मारुति ऑल्टो और दूसरी है समझो इसके पास टाटा नैनो। अब यहां ए जब बी से पूछ रहा है क्या तुम मेरी कार खरीदोगे 1 लाख रुपए में, ए सोच रहा है कि वो ऑल्टो बेचे, लेकिन बी सोच रहा है कि वो नैनो बेचेगा। अब बताओ क्या दोनों जन एक ही चीज खरीदना चाह रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं, तो नहीं, एक जन बेचना चाह रहा है ऑल्टो, दूसरा खरीदना चाह रहा है नैनो। तो क्या यहां कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, एग्रीमेंट बन जाएगा, आंसर है नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, बिकॉज देयर इज नो कंसेंसस एड इडम। तो कंसेंसस एड इडम का मतलब है जो इसके मन में है वही इसके मन में होना चाहिए, इसको आसान शब्दों में हम बोलेंगे मीटिंग ऑफ माइंड्स। तो कंसेंट, या इसी को हम बोलेंगे मीटिंग ऑफ माइंड्स। अगर ए ने बोला था कि मैं कार बेचने को तैयार हूं, बी खरीदने को तैयार था, लेकिन कार की बात ही अलग हो रही है, ए बेचना चाह रहा है ऑल्टो, बी खरीदना चाह रहा है नैनो, तो ऐसे केस में कोई एग्रीमेंट नहीं होगा, कल चल के झगड़ा हो जाएगा। तो दोनों को पूरा नहीं करना है, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज की बात कर रहे थे, ये ऑल्टो की बात कर रहा था, नैनो की, तो ये पूरा करना ही चाहिए, क्योंकि दोनों एक चीज की बात ही नहीं कर रहे थे। तो ऐसे केस में हम बोलते हैं देयर इज नो कंसेंसस एड इडम। ये ऐसे वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, कंसेंसस एड इडम वगैरह, तो इस प्रकार के लैटिन फ्रेजेस वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। तो जब भी हम एक्ट पढ़ते हैं, लॉ पढ़ते हैं, उसमें ऐसे वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, बहुत जगह दिखेंगे, अपन आगे भी पढ़ेंगे, नेमो डेट क्वेड नॉन हैबिट, तो ऐसा दिखेगा आपको, तो नेमो डेट क्वेड नॉन हैबिट, जैसे हैरी पॉटर में होता है ना, वो छड़ी घुमाएगा और ऐसा बोल देगा नेमो डेट क्वेड नॉन हैबिट, आगे वाला बिल्ली बन जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, तो ये उस टाइम पे जादू बताते, लेकिन ये क्या है, ये लैटिन फ्रेजेस है, ठीक है। तो ये लैटिन फ्रेजेस के भी मीनिंग अपने को समझना है, अपन धीरे धीरे करके देखेंगे, ठीक है। तो अभी इसके ऊपर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, जैसे इवन कंसेंसस एड इडम मैंने समझा दिया, कंसेंसस एड इडम मीन्स जो इसके मन में है वही इसके मन में होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कंसेंसस एड इडम है। अगर नहीं, अगर दोनों अलग चीज की बात कर रहा है, ऑल्टो की बात कर रहा है या नैनो की बात कर रहा है, तो देयर इज नो कंसेंसस एड इडम। तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए, एग्रीमेंट बनने के लिए, देयर शुड ऑल्सो बी कंसेंसस एड इडम, दैट इज बोथ द पार्टीज मस्ट एग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। तो सेम थिंग पे सेम प्रकार से सोचना चाहिए, तब जाके ही वैलिड होगा। अगर नहीं, अगर ये कुछ और सोच रहा है, ये कुछ और सोच रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। ये कुछ और मन में, इसके मन में कुछ और है, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, मैं क्या बोल रहा है, तू क्या बोल रहा है, तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। आपने देखे होंगे मूवी टाइम पास, तो उसमें ऐसा होता है, शाकाल होता है उसमें, तो ऐसे ही बोलता है, मैं क्या बोल रहा है, तू क्या बोल रहा है, तो होता है। खैर, मराठी मूवी है, टाइम पास, बढ़िया मूवी, देखना चाहिए। लेकिन हाँ, तो खैर अपन आते हैं वापस, कंसेंसस एड इडम। तो ये कुछ और बोल रहा है, ये कुछ और बोल रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, एग्रीमेंट भी नहीं बनता। क्यों? क्योंकि एग्रीच नहीं हुआ ना, ये इसके बारे में बोल रहा है, ये दूसरा इसके बारे में सोच रहा, तो कोई एग्री नहीं हुआ। तो एग्रीमेंट कब होगा, व्हेन देयर इज अ कंसेंसस एड इडम, ठीक है। तो कंसेंसस एड इडम और डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है, ऐसा है। दूसरी चीज, लीगल ऑब्लिगेशन।
लीगल ऑब्लिगेशन का क्या मतलब है? तो लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब है, हाँ तो नया है वो, आया है कमेंट में। हाँ अच्छी मूवी है, देखना चाहिए, उसके गाने भी बहुत अच्छे हैं, तो मूवीज वगैरह देखा करो कभी कभी, तो उसमें बहुत अच्छा गाना है, मला वेद लागले प्रेमाचे, तो है बहुत अच्छे गाने हैं, देखा करो कभी कभी मराठी मूवीज, साउथ की मूवीज। हाँ, आगे बढ़ते हैं। लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन फॉर एन एग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब उसमें लीगल ऑब्लिगेशन है। अगर लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, सिर्फ एग्री किया लेकिन लीगल ऑब्लिगेशन नहीं आया, तो नो कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म। कॉन्ट्रैक्ट के लिए दोनों चीजों का होना अनिवार्य है। तो कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? जैसे कि एग्रीमेंट है, जैसे कि लीगल ऑब्लिगेशन है, तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ये बीच का हिस्सा। तो बहुत प्रकार के एग्रीमेंट हो सकते हैं, बहुत प्रकार के लीगल ऑब्लिगेशंस हो सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे? तो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ ये बीच का एरिया, ठीक है, तो ये एरिया ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ठीक है। तो ये देखेंगे अपन, मैं और डिटेल में आपको ये डायग्राम्स वगैरह बना के बताऊंगा। तो डायग्राम, ये वाला डायग्राम जरूर बनाना, ये डायग्राम आपके बहुत काम का है, ये डायग्राम आपका ब्रह्मास्त्र है, ये आपको बहुत काम आएगा। आगे का जो कंसेप्ट हम पढ़ेंगे, ये डायग्राम पे मैं उसको खत्म कर दूंगा, निपटा दूंगा, ठीक है, निपटा दूंगा है ना, समझेंगे अच्छे से, ऐसा नहीं सर निपट गया, तो निपट गया है ना, समझेंगे अच्छे से, ठीक है। तो ऐसा है, अब हमने तो अभी तो पढ़ना चालू किए हैं, अब मजा आना चालू होगा आपको, अभी तो बस शुरुआत है, तो अभी अपन बेसिक चीजें देख रहे हैं, और धीरे धीरे आपको इसमें और इंटरेस्ट आना चालू होगा। कल की क्लास से आप देखोगे कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें इसमें चालू हो गई है। तो ऐसा है, और जैसा कि मैंने आपको वादा किया था, आपका फेवरेट बन जाएगा, और धीरे धीरे ये होने वाला है, ठीक है। हाँ हाँ, एक मैसेज आया, इरफान खान डाइड टुडे एट 53। तो हाँ, ये मैसेज आ चुका है, अपनी क्लास चालू होने के पहले ही आया था। इरफान खान है, तो उसकी बेचारे की शायद कैंसर था, तो उसकी डेथ हो गई। इरफान खान है ना, इरफान खान, अरे भैया क्या भैया, वो तो डेथ हो गई उसकी, ठीक है, तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अच्छे एक्टर है। लेकिन खैर, अपन आगे बढ़ते हैं, अपन अपने टॉपिक पे सीमित होते हैं। तो बच्चे लोग क्या, चैट में ये सब ध्यान रहता है, तो होता है कई बार बच्चों का ध्यान जाता है इधर उधर, लेकिन एक्चुअल में बहुत अच्छे एक्टर है। कुछ कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जो एक्चुअल में बहुत ज्यादा काबिल है, लेकिन उनको उतना मौका नहीं मिला, तो उनमें से एक है इरफान खान, तो वो है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, उसको देखो, उसके भी बहुत अच्छी एक्टिंग है, तो कभी कभी तो लगता है आपू निज भगवान है। तो खैर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन का क्या मतलब है, तो वो भी देख लेते हैं। फॉर एन एग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब इट मस्ट गिव राइज टू लीगल ऑब्लिगेशन, जब लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होंगे। लीगल ऑब्लिगेशन का क्या मतलब है? लीगल ड्यूटी विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, द पार्टीज मस्ट हैव द इंटेंशन टू इम्पोज अ ड्यूटी ऑन द प्रोमिसर टू फुलफिल द प्रोमिस एंड बिस्टो अ राइट ऑन द प्रोमिसी टू क्लेम इट्स फुलफिलमेंट। अब दो वर्ड आपको दिख रहे हैं, प्रोमिसर, प्रोमिसी। एग्जाम्पल से देखते हैं। ए ने जब बी को पूछा, क्या तुम मेरी कार खरीदोगे 1,00,000 रुपए में, तो ए हो गया प्रोमिसर। इसी को हम दूसरा नाम भी देते हैं, ऑफरर। इसने ऑफर किया, और बी हो गया प्रोमिसी, या इसी को दूसरा नाम भी देते हैं हम, ऑफरी। इसके ऊपर एक गाना भी था, ऑफरी ऑफरी ऑफरी, नहीं वो आफरी है, वो अलग है, तो ऑफरी। तो ऑफर देने वाला ऑफरर, ऑफर पाने वाला ऑफरी, तो ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं। आप देखोगे बहुत जगह ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि आप देखते हैं डोनर, डोनी, ये भी होता है। तो डोनर जो डोनेट कर रहा है, डोनी जिसको डोनेशन मिल रहा है, ठीक है, धोनी नहीं, डोनी, ठीक है, तो ये वर्ड होते हैं। ट्रांसफरर, ट्रांसफरी, तो ऐसे वर्ड्स होते हैं। टीचर, टीची, नहीं ऐसे वर्ड्स नहीं होते, हर जगह रूल नहीं लगता, ठीक है, तो ऐसा है। तो एक क्वेश्चन आया हर्ष का, सर इस वाले प्रोमिसी में डबल ई है, तो ये प्रॉमिस नहीं है, प्रोमिसी है वो, ठीक है, वो प्रॉमिस नहीं है। तो प्रॉमिस अलग चीज है, प्रोमिसी अलग चीज है, ठीक है। तो प्रॉमिस करने वाला प्रोमिसर, प्रॉमिस पाने वाला प्रोमिसी, ठीक है, प्रॉमिस नहीं, प्रोमिसी। प्रॉमिस इज अ डिफरेंट थिंग, प्रोमिसी इज अ डिफरेंट पर्सन, ठीक है,
ऐसा है तो देखो, हाँ यहाँ पे अच्छा इन्होंने इसीलिए पूछा क्योंकि यहाँ पे गलत लिखा है, तो फुलफिल द नहीं, बराबर है, सही है, प्रॉपर है। हाँ तो देखो क्या लिखा है, द पार्टीज मस्ट हैव इंटेंशन टू इम्पोज अ ड्यूटी ऑन द प्रोमिसर। तो ए के पास, ए के ऊपर ड्यूटी है किस चीज की, कि वो कार दे, ये उसकी ड्यूटी है। एंड बिस्टो अ राइट ऑन द प्रोमिसी, तो बी के पास अधिकार है, राइट है टू क्लेम इट्स फुलफिलमेंट, कि कार मुझे दो। दिस ऑब्लिगेशन मस्ट नॉट बी मियरली मॉरल अलोन, सिर्फ मॉरल होने की जरूरत नहीं है, इट मस्ट बी लीगल। तो मॉरल और लीगल में फर्क आपको पता है, लीगल यानी कानून जहां पे लग गया वहां लीगल है, मॉरल यानी जहां कानून नहीं है बट फिर भी जो आपको लगता है नहीं यार ये गलत है ऐसा नहीं करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज मॉरल। जैसे कि झूठ बोलना, झूठ बोलना गलत है, मॉरली गलत है वो, ठीक है। तो वो हो गया मॉरल्स, मॉरल यानी जमीर। आपने एक मूवी देखे होंगे वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, उस मूवी में बताया गया, एक बहुत अच्छा डायलॉग मारता है वो, वो बोलता है कौन कहता है वो, अपना जुबा केसरी, अजय देवगन, वो डायलॉग मारता है बहुत जबरदस्त। वो बोलता है, मैं उन चीजों की स्मगलिंग करता हूँ जिनकी इजाजत मेरी सरकार नहीं देती, उनकी नहीं जिनका जिनकी इजाजत मेरा जमीर नहीं देता। तो जमीर यानी क्या, तो जमीर यानी मॉरल्स, और सरकार नहीं देती मीन्स इलीगल। तो वो इलीगल चीजों की स्मगलिंग करता था बट इमोरल चीजों की नहीं करता था। इमोरल यानी अगर एक वर्ड में बोलो तो अनैतिक, ठीक है। तो मॉरल का मतलब होता है नैतिक, जो सही गलत, इसको हम बोलते हैं मॉरल। तो सही गलत और इलीगल, लीगल ये अलग चीज होती है। तो कई बार चीजें हो सकता है कि वो गलत है बट इलीगल नहीं है, ठीक है। तो सही गलत अलग चीज होती है। तो मॉरल का मतलब है विच डील्स विद राइट और रॉन्ग, दैट इज कॉल्ड एज मॉरल। जैसे सिगरेट पीना गलत है तो ये मॉरल्स हो गए, ठीक है। तो ऐसे ये फर्क है मॉरल और लीगल में। जैसे सर की शादी है तो जाना चाहिए यार, दैट इज मॉरल। मॉरल्स में आपको लगता है नहीं यार सर है अपने जाना चाहिए, तो लेकिन इलीगल है क्या वो, नहीं गए तो इलीगल है क्या, तो नहीं, ठीक है। तो ये फर्क पड़ता है। तो लीगल होना चाहिए जो ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन शुड बी लीगल, इट शुड नॉट बी मॉरल अलोन। तो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होना चाहिए। एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल ए इन्वाइट्स टू ज्वाइन हिज मैरिज पार्टी, ए इन्वाइट्स बी टू ज्वाइन हिज मैरिज पार्टी। ए ने बी को बोला कि देख भाई मेरी शादी है जरूर आना, बी ने बोला हाँ हाँ जरूर आऊंगा, कोई बात है क्या भाई तेरे लिए, आऊंगा। बट बी इवेंचुअली फेल्स टू कीप अप हिज प्रॉमिस, तो बी प्रॉमिस नहीं पूरी करता। इन दिस केस देयर इज अ फुल फ्लेज्ड एग्रीमेंट, क्या एग्रीमेंट है, आंसर है हाँ एग्रीमेंट है, देयर इज अ फुल फ्लेज्ड एग्रीमेंट। एग्री तो किया, ए ने पूछा बी ने हाँ बोला, ऑफर किया एक्सेप्टेंस आया, मींस एग्रीमेंट तो है बिटवीन ए एंड बी, बट बिहाइंड दिस एग्रीमेंट देयर इज नो इंटेंशन ऑन द पार्टीज, ऑन द पार्ट ऑफ पार्टीज टू इम्पोज अ ड्यूटी ऑन द प्रोमिसर एंड बिस्टो राइट ऑन द प्रोमिसी टू क्लेम द फुलफिलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, देयर फॉर द एग्रीमेंट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल बताया ये वैसे ही है कि खाने पे बुलाया वगैरह उस टाइप का हो गया। जैसे संता का एग्जाम्पल है, संता आपको एक जोक पता होगा, संता को उसके गर्लफ्रेंड बुलाती है कि संता जी घर पे कोई नहीं है आ जाओ, संता जब जाता है तो घर पे कोई भी नहीं होता बंद रहता है दरवाजा, ताला लगा होता है। तो ऐसे केसेस में क्या कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, नहीं ये तो ऐसे ही था, तो आपस की बातें थी। तो ये लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं हो रहे थे, भले एग्री किया मैं आता हूं लेकिन फिर भी कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ कोई केस फाइल नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ऐसा है, अब यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो। इस पे और चर्चा बची हुई है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, इस पे हम और चर्चा अभी करेंगे। तो अभी सिर्फ ध्यान रखो, दो गले में यहां अच्छे से बना देता हूं जो ऊपर बनाया था। एक होना चाहिए एग्रीमेंट, दूसरा होना चाहिए लीगल ऑब्लिगेशन। तो अच्छे से बनाने वाला था मैं, आड़े टेढ़े हो गए, हो जाते हैं कभी कभी। तो एग्रीमेंट्स भी बहुत प्रकार के होते हैं, लीगल ऑब्लिगेशंस भी बहुत प्रकार के होते हैं, वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, कॉन्ट्रैक्ट यहां बनता है जहां दोनों मिलते हैं। तो इस पे भी एक गाना था, एग्रीमेंट हूं मैं लीगल ऑब्लिगेशन तू, दोनों मिले कॉन्ट्रैक्ट बने। तो हाँ ऐसा कोई गाना नहीं है, तो हाँ तो एग्रीमेंट और लीगल ऑब्लिगेशन दोनों मिलना चाहिए। अब इसको और थोड़ा डिटेल में चर्चा करने के पहले
कोई हल्के पुल्के डाउट हो आपके यहां तक एग्रीमेंट और लीगल ऑब्लिगेशन के ऊपर, तो आप पूछ सकते हैं। अभी इसके ऊपर मत पूछो कि दोनों मिल रहे हैं इसका क्या मतलब, वो अभी मैं बताने का हूँ, ठीक है? तो कोई डाउट है तो आप पूछ लो, नहीं तो अपन आगे बढ़ते हैं। और डायग्राम ये वाला जरूर बनाना, ये ब्रह्मास्त्र है आपका, ये आपको जब कुछ नहीं समझता है तब ऐसे डायग्राम्स काम आते हैं। देखने को लगेगा क्या गोले बनाए, तो गोले बनाए लेकिन वो काम के हैं, ठीक है? तो ऐसा है, तो कोई डाउट नहीं आ रहा है, हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो, मैंने जैसा कि आपको बताया, एग्रीमेंट भी होना चाहिए और लीगल ऑब्लिगेशन भी होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि एक एग्रीमेंट है टू डाइन एट अ फ्रेंड्स हाउस, फॉर एग्जाम्पल एक डिनर पार्टी है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एग्रीमेंट जरूर है। तो एग्रीमेंट है लेकिन इसमें क्योंकि लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। तो एग्रीमेंट बहुत प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि किसी ने पूछा था, आपको याद होगा, तो कि मेरे पिताजी ने वादा किए कि मैं तेरे को बेटा मोबाइल ले दूंगा। पिताजी आपको बोलते हैं बेटा फाउंडेशन एग्जाम एक बार में क्लियर कर दे, मैं तेरे को आईफोन 11 लेके दे दूंगा, आईफोन 11 प्रो लेके दे दूंगा, आईफोन 11 प्रो मैक्स लेके दे दूंगा। अब आपको वादा किए, क्या यहां पे आपका और उनका ऐसा इंटेंशन है कि अगर पूरा नहीं करेंगे तो कोर्ट में देख लेंगे? तो नहीं, ये तो आपस की बात है, घर की बात है। तो इट इज अ डोमेस्टिक एग्रीमेंट, तो यहां पे भी केस फाइल करने का कोई इंटेंशन नहीं है, इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? तो यहां पे एग्री तो किया, एग्रीमेंट हुआ, बट इट वॉज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए सिर्फ एग्रीमेंट से काम नहीं होगा। जैसे खाना खाने बुलाए थे नहीं गए तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, केस वगैरह फाइल नहीं की जा सकती, ठीक है? तो ऐसा है। लीगल ऑब्लिगेशन भी, क्या लीगल ऑब्लिगेशन और भी कहीं से आ सकते हैं? तो हाँ, बहुत प्रकार के लीगल ऑब्लिगेशन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना है, क्या ये आपका लीगल ऑब्लिगेशन है? हाँ लीगल ऑब्लिगेशन है। तोड़ के देखो आप, आपको डायरेक्टली पुलिस पकड़ लेगी, आपको कोर्ट जाके पैसा भरना पड़ता है, जुर्माना भरना पड़ता है। तो सिग्नल तोड़ेंगे आप, तो ट्रैफिक रूल्स अगर तोड़ते हैं तो यहां पे लीगल ऑब्लिगेशन टूटा है। तो ये लीगल ऑब्लिगेशन है, बट क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? आंसर इज नो, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्या आपने एग्रीमेंट किया था? क्या आपने पुलिस वालों से एग्रीमेंट किया था या गवर्नमेंट से एग्रीमेंट किया था? देखो भैया लाल बत्ती रहेगी ना मैं रुकूंगा, फिर हरी बत्ती होंगी ना मैं जाऊंगा, ऐसा कुछ एग्रीमेंट किया था क्या? तो नहीं किया था, ठीक है? तो इसीलिए यहां पे लीगल ऑब्लिगेशन तो है बट ये एग्रीमेंट से नहीं बना है। तो दोनों हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एग्रीमेंट है, लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ लीगल ऑब्लिगेशन है, एग्रीमेंट नहीं है। लेकिन ऐसे एग्रीमेंट जिसमें दोनों है, यानी एग्रीमेंट भी है लीगल ऑब्लिगेशन भी है, वही चीज सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बनती है। तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए दोनों चीज होना चाहिए। सिर्फ एग्रीमेंट से काम नहीं चलेगा, उसी प्रकार से सिर्फ लीगल ऑब्लिगेशन से भी काम नहीं चलेगा। जहां दोनों मिलेंगे वहीं कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ठीक है? तो यही चीज है जो अपने को अभी और डिटेल में देखना है। तो ये अभी अपना बचा है, ये अपन पढ़ते हैं, ठीक है? तो ऐसा है। तो एक क्वेश्चन इस पे बन सकता है आपको, एक वो भी बन सकता है फादर एंड सन वाला, कि पिताजी ने वादा किया तो वो कैसे लिखना, अभी उसके ऊपर अपन चर्चा करने के, वो धीरे धीरे अपन देखेंगे। हाँ मैं दिख नहीं रहा क्या? मैं दिख तो रहा हूं, दिख भी रहा हूं और सुनाई भी दे रहा हूं, तो मैं मिस्टर इंडिया नहीं हुआ हूं। तो आप, अगर आपका कनेक्शन रिसेट हुआ है तो आप एक बार चेंज करके बंद करके चालू करें फिर से। मैं दिख रहा हूं ना पक्का? हाँ हाँ तो ऐसा है, तो अगर कभी भी मैं नहीं दिखा तो आप मेरे को बोल सकते हैं कि सर आप दिख नहीं रहे, मिस्टर इंडिया हो गए, सिर्फ सुनाई दे रहे हैं, तो बोल सकते हैं आप। तो हाँ हाँ आगे बढ़ते हैं। तो अब ये जो वर्ड है, देखो ये दोनों प्रकार से आपको ये वाला सेंटेंस पूछा जा सकता है। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, क्या ये सही है? करेक्ट इनकरेक्ट पूछा जा सकता है। तो इसके लिए आपको ये दो गोले काम आएंगे। दो गोले में क्या लिखा है, हर एक कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है क्या? सोच के देखो, क्या हर कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट रहेगा ही? आंसर है हाँ, हर कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट तो है ही, एग्रीमेंट है तभी तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, तो एग्रीमेंट तो होना ही है, जितने कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे सब एग्रीमेंट होंगे ही, ठीक है? लेकिन क्या हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है? आंसर इज नो, हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जैसे ये वाला एग्रीमेंट,
जो इसके बाहर आ रहे हैं, तो ये वाले एग्रीमेंट क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये सिर्फ एग्रीमेंट है। जैसे कि खाना खाने के लिए बुलाया, दैट इज एन एग्रीमेंट, बट क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं। तो आपका रूल क्या बोलता है, हर कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट जरूर है, लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो ये जरूरी नहीं। ठीक है, तो ये रूल में लिखा है। आपको कभी कभी अपोजिट भी पूछ लेते हैं, अपोजिट क्या पूछेगा, आपको बोलेगा हर एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, पर हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नहीं होता, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आपको ये दो गोले बहुत काम आएंगे वहां पे। ठीक है, तो आपको ये और डिटेल में बताता हूं मैं। जैसे सेम एग्जांपल कि डिनर पार्टी का जो एग्रीमेंट हुआ, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट है? तो नहीं। तो डिनर पार्टी का एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट जरूर है बट ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जरूर रहेगा। जैसे ए ने बी को पूछा, क्या तुम मेरी कार खरीदोगे 1 लाख रुपए में? तो ये कॉन्ट्रैक्ट है और ये एग्रीमेंट भी रहेगा। जब तक एग्री नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बन सकता। और आसान शब्दों में समझना है तो आपने पढ़ा होगा, आपने अगर 10th में साइंस पढ़ा है तो पढ़ा ही होगा आपने, 10th में, 10th तक के साइंस होता है, वहां पे आपने पढ़े थे जीनस और स्पीशीज ऐसे वर्ड होते हैं। तो जीनस यानी एक ब्रॉडर कैटेगरी और स्पीशीज यानी नैरोअर कैटेगरी। तो यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल ले सकते, जैसे कि हर कॉकरोच जो है, कॉकरोच देखा है आपने, तो हर कॉकरोच एक कीड़ा जरूर है, कीड़ा है ना कॉकरोच, तो हाँ हर कॉकरोच एक कीड़ा है, लेकिन क्या हर कीड़ा कॉकरोच रहेगा क्या? तो नहीं, हर कीड़ा कॉकरोच नहीं होता। तो कीड़ा झिंगुर भी हो सकता है, कीड़ा चींटी भी हो सकती है, तो अलग अलग प्रकार के कीड़े हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हर गोल्ड फिश एक मछली रहेगी, लेकिन हर मछली गोल्ड फिश ही रहेंगी क्या? तो नहीं, अलग भी हो सकती है। ठीक है, तो क्लाउन फिश हो सकती है, और कोई फिश हो सकती है, शार्क हो सकती है। तो ऐसा है, तो वही मतलब यहां पे दिया है कि हर कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट जरूर रहेगा, लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो ये जरूरी नहीं। ठीक है, तो यही चीज ऊपर दी हुई है, तो इस पे आपको सवाल आ सकते हैं। ये सिर्फ ये दो गोले बना लोगे ना आप, तो ये आपको पूरा ये कंसेप्ट समझने में और लिखने में मदद करेंगे। इवन एग्जाम्स में आप ये ड्रॉ कर सकते हैं, इनफैक्ट करना चाहिए, क्योंकि इसी से आपका पेपर प्रेजेंटेशन अलग होगा बाकी लोगों से। बाकी सब भी वही लिखने वाले, आप भी वही लिखने वाले। एक आपकी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होना चाहिए, लैंग्वेज थोड़ी अच्छी होना चाहिए। दूसरा, ये सब एडिशनल चीजें हैं, डायग्राम्स वगैरह जैसी चीजें हैं, इससे आपका एग्जाम में मार्क्स स्कोर करने का बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। यानी आप देखोगे दूसरे ने भी वैसे ही लिखा, आपने भी वही लिखे, लेकिन आपको ज्यादा मार्क मिले, क्योंकि आपने समझाया बेटर है, आपने उसका डायग्राम वगैरह बनाया है। तो ये सब चीजें काम आने वाली है। ठीक है, तो ऐसा है, तो देखो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, हर एक कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट जरूर है, पर हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो एग्रीमेंट इज द जीनस ऑफ विच द कॉन्ट्रैक्ट इज अ स्पीशीज। तो एग्रीमेंट इज अ जीनस, जीनस मीन्स एक वाइडर कैटेगरी, और स्पीशीज यानी नैरोअर कैटेगरी। एन एग्रीमेंट इज अ वाइडर टर्म देन अ कॉन्ट्रैक्ट, इट मे बी लीगल एग्रीमेंट। एग्रीमेंट बहुत प्रकार के हो सकते हैं, लीगल, सोशल, डोमेस्टिक। कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ लीगल एग्रीमेंट्स का बनेगा। ठीक है, तो लीगल एग्रीमेंट दैट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, और अ सोशल एग्रीमेंट दैट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट रिलेटिंग टू सोशल मैटर्स लाइक एन एग्रीमेंट टू गो टू मूवी टूगेदर और टू विजिट टू अ होटल डू नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज एंड हेंस आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। ओनली दोज एग्रीमेंट्स ग्रो इन टू कॉन्ट्रैक्ट विच क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। सिर्फ वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं जो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहे हैं, जो लीगल ऑब्लिगेशन उत्पन्न कर रहे हैं। ये आगे का भी जो पॉइंट है ये भी ऊपर से जुड़ा हुआ ही है, तो ये मैं और डिटेल में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी ये पूरा कंसेप्ट नहीं हुआ है, बट अभी अपना समय पूरा होते आया है, तो अभी मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता, लेकिन आपके जो डाउट्स हैं वो डाउट्स में क्लियर कर लेना चाहता हूँ। ये अभी बचा है, ये भी बचा है, और ये कंसेप्ट भी अभी पूरा नहीं समझाया मैंने, ये आधा समझे अपन ने, आधा आगे आने वाला है। यहां तक आपको कोई अगर डाउट है, कोई शक है, कोई शंका है, कोई दोष है, तो आप मेरे को पूछ सकते हैं, तो वो सबका मैं निवारण कर दूंगा, यानी मैं आपके डाउट सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, पूछ लो, डरो मत, कोई डाउट नहीं। डाउट नहीं होने के दो ही रीजन, या तो सब समझ गया सर, क्या डाउट आएगा, या तो सर कुछ नहीं समझा क्या डाउट आएगा। तो ऐसा है, तो पढ़ो, घर पे थोड़ा बहुत पढ़ लो, डायग्राम्स वगैरह भी बना लिया करो, वीडियोस है आपके पास अवेलेबल, आप वीडियोस को पॉज करके भी डायग्राम्स बना सकते हैं, जहाँ पे डायग्राम बनाए उतना पॉज कर लो और बना लो डायग्राम, ये सब बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को अपन यहीं पे साइन ऑफ करते हैं, और जो भी डाउट्स होंगे वो आप अगले क्लास में पूछ सकते हैं। तो अगली क्लास होगी अब 2 दिन बाद। ठीक है, तो कोई भी डाउट रहा तो पूछ लेना। चलिए, थैंक यू।